अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मकई की पैदावार कैसे की जाती है, इसके लिए कौन कौन सी खाद वगैरह स्प्रे वगैरह डालनी चाहिए, और ये मकई का बीज कौन सा है, इसमें ये लगाई हुई है बताया उन्होंने 3188 है मकई का बीज है, और इसमें तकरीबन छल्ली है बहुत अच्छी आ रही है, मतलब ऊपर तक इसके दाने निकले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर तक एक मतलब फुल दाने हैं, फुल छल्ली है, इसके ऊपर तक दाने आए हुए हैं, और जो तकरीबन दूसरी मकई होती है उसमें ऊपर तक दाने नहीं आते, और ये जो मकई होती है जिसमें फासला ज़्यादा होता है उसकी छलियाँ बहुत मोटी होती हैं, और बता रहे हैं जिनकी ये मक्की है वो बता रहे हैं 3188 है इसका नाम है बीज का जो है, और जो करीब करीब लगाए गए हैं डांडे मक्की करीब करीब है उनमें आप देख सकते हैं, ये देखें ये बहुत ज़्यादा करीब हैं, और इनकी ये जो छलियाँ हैं इनमें दाने इतने नहीं हैं, और ये छलियाँ भी छोटी हैं, ये देखें ये ऊपर से खाली है अभी तक, जो दूसरी है जो बहुत ज़्यादा गैप पे हैं जिनमें दरमियान में गैप है वो उनके टांडे भी मतलब भी अच्छे हैं, और ये देखें इसमें इसमें जो है छली आधी खाली है, इसमें दाने फुल नहीं आए ऊपर तक नहीं आए, और जो जिनमें फासला ज़्यादा है गैप ज़्यादा है उनमें बहुत अच्छे आए हैं, मतलब दाने ऊपर तक हैं, आप देख सकते हैं ये मकई लगाई हुई है उन्होंने, वो कहते हैं जो गर्मियों में होती है उसमें तकरीबन 4 दिन बाद 3 दिन बाद पानी की ज़रूरत होती है, और ये देखें इनके दरमियान फासला बहुत कम है, और ये जो है ये पौधा बिल्कुल नाकाम सा है, छोटा सा है, इसके ऊपर छली बहुत छोटी लगी हुई है, इसके ऊपर छली बहुत छोटी है, और वो कहते हैं इनको तकरीबन हर पानी में 1-2 बोरियाँ खाद की ज़रूर डालते हैं, और कहते हैं DAP बहुत ज़्यादा होती है इसमें जो डालते हैं, मकई हो जाए तो इसमें कार्बोफ्यूरान डालते हैं, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है कीड़ी लगने का खतरा होता है, वो कीड़ी जो होती है मकई को नीचे से ख़त्म कर देती है, इसलिए ये देखें ये मकई में 3 छलियाँ लगी हुई हैं लेकिन कामयाब एक ही होती है, ये देखें 1, 2 और ये 3, ये बहुत मोटी है, और ये देखें इसमें भी 2 छलियाँ हैं पर ये अभी छोटी हैं, कामयाब सिर्फ एक ही होती है जितनी मर्जी हो जाए एक टांडे पे, इधर भी हैं ये इधर में भी बहुत गैप है लेकिन ये छली मोटी है, माशाल्लाह से उनकी पैदावार अच्छी है, इसमें इसमें तो देखें ना वो 4-5 फीट का गैप है, और इधर फिर जाके एक पौधा आया है तो इसमें छली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 2 छलियाँ लगी हुई हैं लेकिन दूसरी बहुत छोटी है, इसमें मक्की और ये जो मकई है इसमें पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाते, अगर ज़्यादा पानी लगाएं तो मकई ख़राब भी हो जाती है, इसको दरमियाना पानी लगाना चाहिए, इसमें दरमियाना पानी लगा हुआ है, ये मक्की हरी हरी है, और दिखाते हैं जो जहाँ यहाँ यहाँ पानी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है पानी के ज़रिए जहाँ से पानी गुजरता है वो पानी उसमें लीक होके यहाँ आता रहता है, और ये देखिए अभी तक भी इसमें पानी खड़ा हुआ है, ये देखें इसमें पानी खड़ा हुआ है अभी तक भी, लेकिन इसमें जो है कहते हैं गर्मियों में मक्की होती है इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये देखें ये मकई बहुत छोटी है, देखें ये पीली पीली सी है, दूसरी मकई बहुत अच्छी खड़ी हुई है, ये पीली है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये पीली है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 3-4 दिन बाद एक तकरीबन एक बार पानी लगाना चाहिए, और एक बोरी खाद की डालनी चाहिए, और अब ले चलते हैं हम, ये था 3188 बी, हम आपको ले चलते हैं दूसरे बी की तरफ, मतलब बीज बीज में फ़र्क होता है, ये इस बीज की पैदावार तकरीबन कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मक्की में जो है बैन लगा दिया गया है हुकूमत की तरफ से, अगले साल से जो मकई काटेगा उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, और कहते हैं इस बार मकई का रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहते 1500 रुपये 1550 रुपये उकाड़ा में मकई बिकी है, अब यहाँ पता नहीं क्या बनता है, लेकिन हम आपको दूसरे बीज की तरफ ले चलते हैं, ये देखिए इधर भी छलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह, ये इसमें भी 2 छलियाँ लगी हुई पर कामयाब तो एक ही होती है ना, ये बड़ी बड़ी छलियाँ हैं इसमें माशाल्लाह से, इधर राख इनको अच्छी डली हुई है इसलिए ये छलियाँ बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, ये देखिए इसको 3 लगी हुई हैं एक पौधे को, ये 3 लगी हुई हैं लेकिन कामयाब एक है,
हम आपको दूसरे बीच की तरफ ले चलते हैं, वो भी साथ ही है। फ्लैश तो ऑफ कर लेंगे दोस्तों, ये भी देख सकते हैं इसमें भी गैप बहुत ज़्यादा है इस पौधे में और इस पौधे में, लेकिन ये है इस पौधे में छली माशाल्लाह से बहुत बड़ी लगी हुई है, इसमें लगी तीन है लेकिन कामयाब तो एक ही है ना। ये देखिए इसके साथ साथ भी जो है छलियाँ बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह। तकरीबन खर्चा सर्दियों वाली मकई से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो मकई का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लोग भी ये मकई काश्त इसलिए करते हैं गर्मियों वाली, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में तो तकरीबन खर्चा कम आता है लेकिन उसकी एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी तकरीबन 70 मान फी एकड़ आती है। दोस्त हम ले आए हैं आपको दूसरी मकई की तरफ, और ये देख सकते हैं आप इसमें जो है इसका कद तो माशाल्लाह लंबा है, लेकिन इसकी जो छलियाँ हैं वो छोटी छोटी हैं। ये देखें, इन्होंने मेरे ख्याल में हिफाजत नहीं की इनकी, और ये बीज उससे मुख्तलिफ है जो पहले आपको दिखाई थी, ये अलहदा बीज है उससे। इसका वो मालिक नहीं खड़ा, नहीं तो हम आपसे उससे पूछ के बताते ये कौन सा बीज है। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो भी छली है वो बिल्कुल छोटी छोटी है। इसमें उन्होंने खाद वगैरह तो बिल्कुल अच्छे तरीके से डाली होंगी, लेकिन इसमें जो हिफाजत होती है वो भी अलहदा होती है। बीज में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये बीज छोटा है, कुछ बीज होते हैं जिनका मकई का कद, पौधों का कद छोटा होता है, लेकिन जो छलियाँ हैं वो माशाल्लाह से बड़ी होती हैं। जो पहले मकई दिखाई थी उसका कद छोटा था लेकिन छलियाँ बड़ी थी, इसमें जो कद बड़ा है लेकिन छलियाँ भी हैं, कहीं कहीं बड़ी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस मकई की जो छली है, ये पौधे की छली है, ये माशाल्लाह बड़ी है, और लेकिन जो ज़्यादा हैं वो छोटी हैं। ये देख सकते हैं, ये ऊपर से खाली भी हैं, इधर से ये खाली छलियाँ हैं, ये देख सकते हो ऊपर खाली हैं और इनको ये खाली छलियाँ हैं, और इनका मकई का कद बहुत बड़ा है, इस जिस वजह से ये प्रॉपर खुराक नहीं मिली होगी छली को, ये बड़ी नहीं हो सकी। ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी छलियाँ हैं, इसमें ये खाली पड़ी, बल्कि ये तो अभी दाने नहीं पड़े इसको, छोटी बहुत खाली है ये, देख सकते हैं आप। और जो साए के नीचे आई हुई है, ये इधर पौधा लगा हुआ है, इसमें जो साए के नीचे आई है उधर भी छलियाँ बहुत छोटी हैं, उधर मकई का बल्कि पौधों का कद ही छोटा है। इन्होंने खुराक तो सही डाली थी, हर किसान यही चाहता है कि उसकी मकई, उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, खुराक तो अच्छी डालते हैं, लेकिन बीज का ही फर्क होता है। वो बीज था 31-88, लेकिन ये बीज हो रहा है इसकी एवरेज तकरीबन उससे कम होगी, क्योंकि छलियाँ जो देख के लग रहा होता है एवरेज का पता चल जाता है, लेकिन इसकी छलियाँ छोटी हैं, कोई कलील बड़ी है। तकरीबन इसकी उसका सुना है 120 मन फी एकड़ आता है, जो पहले 31-88 आपको बीज दिखाया था, और इसकी तकरीबन उससे कम ही होगी मेरे अंदाजे में, 90 मन या 80 मन फी एकड़ होगी इसकी। तो ये देख सकते हैं आप, ये छलियाँ भी छोटी हैं और ये साए में हैं, साए की वजह से ये इसके ग्रोथ नहीं की पौधे ने, और ये जो है छली को प्रॉपर खुराक नहीं मिली, धूप नहीं लगी, जिस वजह से ये नाकाम हो गई हैं। ये देखें, जो साए में नहीं है वो बड़ी भी हैं, ये देखें ये बहुत बड़ी छली है माशाल्लाह, इसके ऊपर तक दाने हैं, ये दाने ऊपर तक भरे हुए हैं, इसके छली फुल तैयार है ये छली। अब काटने के लिए तकरीबन 8 या 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, अगर ये अभी छलियाँ काटते हैं, अगर ये अभी काटते हैं तो इसमें जो दाने हैं वो मकई थोड़ी सी जो कच्ची है वो पिचक जाएगी, उसके दाने जो है ख़राब हो जाएंगे, और इस वजह से ये एवरेज कम होगी। और इसमें भी जो मकई है, तकरीबन हर मकई को वही खुराक चाहिए होती है, और इसमें जो ये कार्बोफ्यूरॉन जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इसमें कार्बोफ्यूरॉन डाली जाती है, कार्बोफ्यूरॉन जिसकी वजह से ये कीड़ी को लग जाए तो उससे बचाती है ये कीड़ी को कार्बोफ्यूरॉन। दोस्तों हमारी मालिक से बात हुई है, जिस मकई का ओनर है वो कहते हैं मैंने ये 40,000 रुपये में एक एकड़ लिया था ठेके पे,
और वो कह रहा है तो कर रहा हूँ इस पे तकरीबन, वो कहता है 40,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ था, 40-45 हज़ार खाद वगैरह पानी वगैरह सब कुछ डाल के एक एकड़ पे खर्चा हुआ था। लेकिन वो कह रहा है मेरी तकरीबन 1,20,000 की मक्की हो जाएगी, मुझे अंदाज़ा है। वो हर किसी को फ़ायदा नज़र आता है तो वो कोई काम शुरू करता है। मालिक इसका कह रहा है तकरीबन मुझे 40-50 हज़ार बच जाएगा। उसने बताया अगर मैं 10 किले ठेके पे लेता हूँ, 10 एकड़ ठेके पे लेता हूँ तो उसमें मकई वो लगाए। उसने मैं ये बात समझाने के लिए बताया कि मैं 10 किले अगर पे 10 एकड़ लूँ ठेके पे, अगर उसमें वो मकई काश्त करे तो अगर मकई 100 मन किला या 120 मन हो रही है तो उसमें 40,000 ठेका, 40,000 पचास, चलो 50,000 ला लो, 50,000 उसका खर्चा निकल गया, कितना 90,000 हो गया। और तकरीबन चलो 1.5 लाख की मकई लगा लो उसकी हो गई 90,000, और 60,000 फी एकड़ में, चलो 60,000 छोड़ो, 40,000 फी एकड़ में उसको बचत हो गई। अगर वो 10 किले मकई लगाए तो 40,000, 4 लाख सीधा उसको बचत है। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वो यही करते हैं, वो ये देखते हैं। जो गरीब होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे 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 लेवल पे किसान होते हैं, वो कहते हैं हमें बस हमारा सर्कट चल रहा है, हमने क्या करना है ठेके लेके, ना हमारे पास ट्रैक्टर है ना ये वो। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वो भी यही करते हैं, उनको शुरू शुरू में तो वो तंगी काटनी पड़ती है ना। हमें हमें हम भी आपको मशवरा देते हैं, जो किसान हो वो ये कर सकता है, मतलब जिसने 1 किला ठेके पे लेना हो वो 2 किले ले ले, 3 किले ले ले, उसमें बचत होगी। हर किसी को फ़ायदा नज़र आता है तो वो कोई काम करता है।